तकरीबन 2-2.5 साल पुरानी बात है। मैं दुबई के ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट में टहल रहा था और काफ़ी दूर से मैंने इस बॉटल को देखा, रामपुर। मेरी आंखें चमकी और मैं बहुत तेज़ी से इस बॉटल के पास गया। इससे पहले कि सेल्समैन आ पाता और मुझसे उल्टपटांग सवाल पूछता, मैंने इस बॉटल को उठाया, देखा कि अरे, इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की। मैं काफ़ी खुश था तब तक कि हमारी अमृत ने और पॉल जॉन ने गदर मचाया हुआ था इन द ग्लोबल मार्केट। मैं देखना चाहता था ये किसने बनाई है। पीछे मुड़ा और मैंने देखा, अरे, डिस्टिल्ड एंड बॉटल बाय राडिको खैतान लिमिटेड, रामपुर, इंडिया। मैं काफ़ी खुश हुआ, ये बॉटल तो मुझे अपने कलेक्शन में चाहिए ही थी। इससे पहले कि सेल्समैन आता, मैंने काफ़ी तेज़ी से दिरहम को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया और जितनी तेज़ी से मैंने इस बॉटल को उठाया था उतनी ही तेज़ी से वापस मैंने रख दिया। वो दिन था, वो ये आज का दिन है। मैं काफ़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा हूँ इस बॉटल की टेस्टिंग करने के लिए। मैंने एक नहीं खरीदी है, मेरे एक मित्र हैं, काफ़ी अमीर हैं, दिल के अमीर हैं, उन्होंने मुझे भेजी है, थोड़ी पी के भेजी और बोला रिव्यू करके वापस भेज देना। चलो इसका जो केस है उसको देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो 2 तलवारें बनी हुई हैं। ये तलवारें रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ के जो रॉयल फैमिली थी उनके फ्लैग की, रामपुर के। रामपुर काफ़ी फेमस है काफ़ी चीज़ों की वजह से, अपने नवाबों की वजह से, अपने खामसानों की वजह से। जो नवाबों की एक फितरत थी आर्ट को, पोइट्री को आगे बढ़ाने की, उसके लिए मिर्ज़ा गालिब भी यहाँ से थोड़े समय के लिए 3 महीने के लिए रुके थे रामपुर में। यहाँ देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। अगर आप पीछे देखेंगे, इन्होंने लिखा हुआ है रामपुर अ प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर्दी ऑफ 15 गन सैल्यूट। इसका मतलब क्या है कि अप टिल 1949 तक 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। काफ़ी स्टेट्स को एक सैल्यूट स्टेटस मिला करता था ब्रिटिश की तरफ से। इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो रूलर जो काफ़ी अच्छा कर रहे थे उनको अलग अलग लेवल पे गन शॉट सैल्यूट मिला करते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 until 21। एंड रामपुर के रूलर उस समय जो थे हमारे रजा अली खान साहब को 15 गन सैल्यूट मिला करता था। यह अकेला स्टेट नहीं था, ऐसे 15 और स्टेट थे जो 15 गन सैल्यूट की कैटेगरी में आते थे। ये तो हुई बात रामपुर की। रेडिको की बात करेंगे तो रेडिको वॉज इनिशियली कॉल्ड इन 1943 व्हेन इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज द रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल कंपनी। और बाद में जब ललित खैतान के पिताजी G N खैतान ने इसको ख़रीदा तब इसका नाम बदल के रेडिको खैतान लिमिटेड हो गया। काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट्स इनके हैं मार्केट में। इनकी 8 PM हो गई, मैजिक मोमेंट्स हो गया, मॉर्फियस हो गई, ये काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन इस प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। मुझे रामपुर से याद आती है रामपुरी चाकू, और रामपुरी चाकू से याद आता है ये वाला डायलॉग, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। चलिए प्राइस पर बढ़ते हैं। मैंने किस कारण वजह से ये बॉटल को वापस रखा था, क्योंकि ये बॉटल उस समय सिर्फ ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल थी। इंडिया मार्केट में शायद ये आज भी अवेलेबल नहीं है। दुबई US में अवेलेबल थी, UK में अवेलेबल थी। काफ़ी लिमिटेड स्टॉक रहता है इन लोगों का। ऑल्दो दे स्टार्टेड मॉल्टिंग दी बार्ली इन 1990 फॉर देयर ब्लेंडेड मॉल्ट, दे ओनली स्टार्टेड टू लॉन्च अ सिंगल मॉल्ट इन 2016, काफ़ी अमृत के काफ़ी समय के बाद। तो मैंने ये वापस क्यों रखी, क्योंकि उस समय इसका दाम था 260 दिरहम। अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये तकरीबन 5,000 रुपये की बनती है। 5,000 रुपये एक सिंगल मॉल्ट के लिए महंगा नहीं है। मेरी मिडिल क्लास सेंसिबिलिटीज़ ने मुझे ये उठाने को अलाउ नहीं किया। मेरे मन में था कि और काफ़ी सस्ती सिंगल मॉल्ट मिलती है जो स्कॉटलैंड से होती है, तो इस वजह से मैंने वापस रख दी थी। टेस्टिंग से पहले थोड़ा इसके केस की बात करते हैं। ये जो केस का जो शेप है और ये जो रंग है ये बहुत ही सुंदर है, काफ़ी रॉयल लुक है इसका। यहाँ पर जो इन्होंने गोल्डन पट्टी दी है ऊपर और नीचे, ये काफ़ी अच्छी लगती है और एकदम नीट एंड क्लीन केस बनाया है इन लोगों ने। अब इसको बॉटल को खोलेंगे और देखेंगे कि अंदर अल्कोहल दिखती कैसे है। मैं तो 2-3 बार देख चुका हूँ बट आपके लिए। और अनवेलिंग हो रही है, देखिए कैसे लग रही है ये बॉटल। क्या इन वजहों से भी इसका प्राइस ज़्यादा है, ये हम बाद में बात करेंगे। ये रॉ सिल्क टाइप का कपड़ा है जहाँ पर ब्यूटीफुल टैजल्स लगे हुए हैं गोल्ड में, और ये पोटली बहुत सुंदर है। अगर आप ये बॉटल ख़रीदते भी हैं तो कुछ और नहीं तो ये पोटली ही अपनी पत्नी को दे दीजिए, वो अपने जेवर रख लेगी, शायद उस रात के लिए आपसे वो खुश रहे। बॉटल को देखा जाए कैसी लग रही है आपको? मैंने जब पहली बार इस बॉटल को खोला था और इस पोटली से इसको निकाला था तो मैं खुश हो गया था। मैंने कहा अरे ये इट्स वर्दी ऑफ इट्स 15 गन सैल्यूट। आगे टेस्ट में कैसे होगी बाद में देखते हैं। चलिए इसको अभी हम पॉप करेंगे। काफ़ी बढ़िया पॉप था स्कॉक का। पोर करने से पहले थोड़ी बातें सुंदर पढ़ लेते हैं। ये एक नॉन चिल्ड फिल्टर विस्की है। इसका मतलब क्या है थोड़ी देर में देखते हैं। नॉन चिल्ड फिल्टर का मतलब ये होता है कि जो हमारी स्पिरिट होती है उसको 0 डिग्री तक पहुंचा के उसको और प्योरर करने का या और क्लीन करने का पद्धति थी पहले। बट आजकल के ज़माने में काफ़ी लिकर्स को लोग नॉन चिल फिल्टर रखते हैं और समझते हैं कि ऐसा करने से लिकर में काफ़ी और फ्लेवर जमता है। कुछ बातें और जानने की होंगी। ये बनती है 6 रो बार्ली से। यूजुअली 6 रो बार्ली से बनाने की वजह से इसमें फ्लेवर ज़्यादा आता है। यील्ड कम होता है बार्ली का बट फ्लेवर ज़्यादा आता है। एक अच्छी बात है कि 6 रो बार्ली से बन रही है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसका कास्ट क्या था, मेकर्स ने ना अपने वेबसाइट पे ना इसमें केस में कहीं लिखा है कि उनका कास्ट कौन सा था, परंतु मैंने ढूंढ निकाला है। सुनिए आवाज़ संजीव बांगा की जो कि प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल बिजनेस के। And what makes Rampur unique from other Indian malts? Well, it's obviously malted barley. We use bourbon cask, one time used bourbon cask on that. We're not making any age claim because, you know, our thinking is age is only a number. Most important thing is the product should be good on the consumer palate. जैसे कि आपने सुना वो कह रहे हैं कि ये बॉर्बन कास्क है, बॉर्बन कास्क वन टाइम यूज। मैं से ये समझता हूँ कि जैसे कि यूएस में नियम बने हुए हैं कि एक बॉर्बन कास्क जो बनता है कि अमेरिकन वाइट ओक से उसको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ इसको भी एक ही बार यूज़ किया होगा। इसमें ये मेरी पहली थियरी है। दूसरी थियरी ये है कि क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ विंटेज सेलेक्ट कास्ट, ऐसा भी हो सकता है कि बॉर्बन कास्ट जो एक बार यूज़ किया गया हुआ है उसको इस विस्की की मैच्योरेशन के लिए यूज़ किया गया हो। दोनों बातों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसकी नोसिंग करते हैं। इसकी नोसिंग करने से पहले अगर इसका रंग देखें तो ये काफ़ी डार्क एम्बर रंग की है। ये रंग कहाँ से आता है? अगर आप बॉर्बन कास्ट को समझते हैं तो बॉर्बन कास्ट को पहले टोस्ट किया जाता है फिर चार किया जाता है। उस वजह से ऑटोमेटिकली बर्बन कास्ट एक रंग छोड़ देता है। यहाँ पर कहीं लिखा नहीं गया है कि एडिड कलर्स हैं तो मेरा अजम्पशन है ये ट्रू बर्बन कास्ट का ही रंग इसमें उतर के आ रहा है। नोसिंग के लिए इसका नोस काफ़ी फ्लोरल है और फ्रूटी है। उसका कारण ये है कि अगर बर्बन कास्ट में बनी है तो नेचुरली जो उसके शुगर्स 4 होते हैं वो एक वनीला, कैरमल, हनी और स्वीट नोट छोड़ती है और वो नोट्स सारे मुझे आ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग लीची फ्लेवर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा एट दिस वेरी मोमेंट कि इसकी नोसिंग काफ़ी देर तक की जा सकती है क्योंकि ये बिल्कुल भी नोस पे हार्श नहीं है। काफ़ी स्मूथ और काफ़ी स्वीट चलते हुए आ रही है। हल्के से सिट्रस नोट्स भी मिल रहे हैं इसमें। मीडियम से हैवी बॉडीड लग रही है। यहाँ पर इसके लेग्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। एक हल्का सा जैस्मिन के फ्लावर का भी मेरे को थोड़ा सा फील मिला है। अगर आप इसको एक टिपिकल टेस्टिंग में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसको एक सिंगल मॉल्ट का दर्जा मिल पाएगा। लोग नहीं पकड़ पाएंगे कि ये सिंगल मॉल्ट है। वो ये कह सकते हैं कि हाँ ये बॉर्बन है, ये बॉर्बन पकड़ लेंगे बट सिंगल मॉल्ट शायद ना पकड़ पाए। काफ़ी फ्लोरल और फ्रूटी नोट्स हैं इसके। पी रहा हूं मैं। एक वुडी सा मेरे को फ्लेवर आया। मेरे ख्याल से वो बर्बन कास्ट का ही फ्लेवर आ रहा है। बाकी आपके स्पाइसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बर्बन कास्ट का एक और बेनिफिट है कि उसके स्पाइसेस आ जाते हैं। डिस्टिंक्टिव कार्डमन, क्लोव, हल्का हल्का सा नटमेग। अब मेरे को नटमेग नोसिंग में भी आ रहा है। थोड़ा सा एक और सिप। One thing which रामपुर इज ट्रू टू इज अ फैक्ट कि इसकी जैसे नोसिंग, टेस्टिंग और जो इसका आफ्टर इफेक्ट है पैलेट पे वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया आपको ये फ्रूटी एंड फ्लोरल पैलेट का था, वही कंटिन्यू किया, आखिरी में थोड़ा थोड़ा स्पाइसेस में पहुंच गया है। मुझे अभी तक तो काफ़ी अच्छी लगी है। एक कैरेक्टर उभर के आ रहा है जो एक सिंगल मॉल्ट का होता है, जो अलग अलग चीज़ पे अलग अलग अपने रंग दिखाती है, तेवर दिखाती है। तो काफ़ी सुंदर ब्लेंड बनाए हैं अनूप बारिक जी ने, जो इसके ब्लेंडर हैं। शानदार करते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला ट्राई था। मैंने अपने दोस्त से ही पूछा कि उसको कैसी लगी। उसने लिखा कि आई हैड कपल ऑफ पेग्स द फर्स्ट टाइम एंड इट टेस्टेड वेरी गुड, आई कुड स्लीप वेल, ऑल्दो माई वाइफ फेल्ट दैट आई वॉज हैविंग अफेयर दैट नाइट बिकॉज आई स्मेल्ड फ्रूटी। तो ये मेरे मित्र कहना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा दूर रखता हूँ उसको। मेरी भी एक्सपेक्टेशन सिंगल मॉल्ट से वैसी रहती है, काफ़ी बढ़िया इसका आफ्टर इफेक्ट होना चाहिए। थोड़ी पीजिए, ओकेशंस में पीजिए, एंजॉय करके पीजिए। एक बात यहाँ पर बहुत अटपटी है और मुझे वो बताना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने लिखा है कि दिस इज़ एज्ड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। मैं ये बात नहीं मानूँ। रामपुर जो है वो काफ़ी दूर है हिमालय से। ठीक है, ग्लोबल लॉन्च हुआ था, ब्रांडिंग में उन्होंने लिख दिया है कि हिमालय फुट हिल में, ठीक है, मान लेते हैं, उनकी बात रख लेते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये एक्सॉटिक विस्की है, इट्स कोहिनूर ऑफ सिंगल मॉल्ट। सिंगल मॉल्ट की कोहिनूर, पता नहीं, मे बी, आई डोंट नो, कांट से, क्या उतनी बढ़िया है मुझे नहीं पता। ये एक्चुअली ट्रायोलॉजी में आती है। इनकी दो और है, एक है पीएक्स शेरी कास्ट की बनी हुई पीएक्स विस्की और एक डबल कास्ट की विस्की। तो ये एंट्री लेवल विस्की है इनकी सेलेक्ट कास्ट, और उन्होंने रिसेंटली 75 ईयर्स को सेलिब्रेट करते हुए तकरीबन 1 लाख रुपए की ऊपर वाली एक विस्की लॉन्च की है, 400 बॉटल केवल। वो तो शायद बिक भी गई, ख़त्म भी हो गई होगी, और वो तो हमको कभी मिलने भी नहीं वाली है। तो आफ्टर इफेक्ट्स में इतना ही, आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष, ट्रिनिटी टेस्ट। टीन टेस्ट का पहला पार्ट, इसका प्राइस मैंने 2-2.5 से पहले इसको बॉटल को रख दिया था, मेरी गलती थी, उठा लेना चाहिए था। थोड़ी महंगी लगी थी उस समय, बट आई थिंक इट्स वर्थ द प्राइस। 750 ml के लिए फिर भी 500-600 रुपये ज़्यादा होता है, कोई बात नहीं, इंडिया के सपोर्ट को सपोर्ट करते हैं, मेक इन इंडिया। बाकी बात हुई आपके टेस्ट की। अगर आपको एक फ्रूटी और फ्लोरल प्रोफाइल पसंद है तो आपको ये विस्की पक्का पसंद आएगी, बट अगर आप एक स्टैंडर्ड स्पेस हेड विस्की या हाईलैंड विस्की जैसी विस्कीज़ पे आप बिलीव करते हैं, वही आपका पैलेट प्रोफाइल है, तो शायद आपको ये विस्की पसंद नहीं आएगी। आपको ये काफ़ी आपको लगेगा कि यार मैं फल और फूल खा रहा हूँ। मुझे भी एक्चुअली पसंद नहीं है फल और फूल, बट इसकी विस्की की बात ये निकली कि काफ़ी बैलेंस्ड फ्लेवर था, और इसका जो फिनिश है, ऑल्दो कहा जाता है कि काफ़ी लॉन्ग है, लिखा भी हुआ है यहाँ पर, मेरे को काफ़ी शॉर्ट लगी, क्योंकि इतना बढ़िया फिनिश चल रहा था, मुझे लगा और चलेगी, बट मुझे काफ़ी शॉर्ट लगी। तो टेस्ट के लिए भी मैं काफ़ी इसको थम्स अप देना चाहूँगा। बाकी आफ्टर इफेक्ट की बात आई, अपनी बात नहीं, बट जिस इंसान ने मुझे ये बॉटल दी उनकी बात रखते हुए मैं मानूंगा कि आफ्टर इफेक्ट भी काफ़ी बढ़िया था। ये बात अलग है, उन्होंने कहा था कि टेस्ट और रिव्यू करके बॉटल उठा देना, भूल जाओ मित्र, नहीं मिलने वाली। शुक्रिया, फिर मिलते हैं।